रॉबर्ट वाड्रा को जमीन खरीदने के मामले में राहत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को उनके खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। अब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। हाईकोर्ट ने इस कदम का कांग्रेसियों ने स्वागत किया है और कांग्रेस नेता जगदीश शर्मा ने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा बहुत ईमानदार शख्स हैं और आज सभी कांग्रेसियों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता आसिफ इकबाल ने। काफी दिनों के बाद कांग्रेस में खुशी आई है, एक ही साथ दो दो खुशियां। पहली खुशी ये कि विधानसभा में, खास करके राजस्थान और गुजरात में जो बीजेपी अगड़ रहा है, वहां कांग्रेस की जीत हुई है। और दूसरी सबसे बड़ी खबर और खास करके कांग्रेसियों के लिए सबसे राहत की खबर ये रही कि रॉबर्ट वाड्रा पे किसी भी तरीके की एक्शन लेने से हाईकोर्ट ने मना कर दिया है और उन्हें क्लीन चिट दे दिया है। हम इस मसले पर इस वक्त कांग्रेसियों के साथ हैं, जो बहुत सारे कांग्रेसी हैं, आप देख सकते हैं। रॉबर्ट वाड्रा के हनुमान के रूप में जाने जाने वाले जगदीश शर्मा हमारे साथ हैं। जगदीश जी, क्या कहेंगे आज? सबसे पहले तो मैं हाईकोर्ट को बधाई दूंगा कि उन्होंने एक सच्चे इंसान की वकालत करते हुए सच्चाई को सामने रखा है। मैं बार बार कहता था कि रॉबर्ट वाड्रा बहुत ईमानदार आदमी है, वो अपने परिवार को ईमानदार से अपनी मेहनत से कमा के खिलाना चाहते हैं, वो किसी पॉलिटिकल परिवार का फ़ायदा नहीं उठाना चाहते हैं। आज वही बात कोर्ट ने सबके सामने रखी है, तो ये एक बहुत बड़ी खुशी का दिन है और रॉबर्ट साहब के लिए बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि वो बड़े दुखी रहते थे। उनको दुखी देख के प्रियंका जी भी दुखी रहती थी। कोई पत्नी नहीं चाहती कि उनका पति के ऊपर गलत आरोप लगाए जाएं। तो आज यह दिन बड़ी खुशी का दिन है, पूरे कांग्रेसों में एक बड़ी लहर है। और दूसरी खुशी जो चुनाव में देख रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे, तो अच्छे दिन पता लग जाएंगे किसके आएंगे। सारा देश देख रहा है, देश को गुमराह करने से अच्छे दिन नहीं आते हैं, काम करने से अच्छे दिन आते हैं। मतलब इससे मनोबल पे आप लोगों के असर पड़ेगा? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि इससे प्रियंका गांधी के मनोबल पे, राहुल गांधी के मनोबल पे, सोनिया गांधी के मनोबल पे, मतलब सभी कांग्रेसियों, अगर गांधी परिवार में अगर खुशी होगी, गांधी परिवार का मनोबल हाई होगा, तो सभी लोगों का हाई होगा, आप ये कहना चाहते हैं? देखिए, और अच्छा मनोबल देखना चाहते हैं तो दो स्टेटों में चुनाव जा रहे हैं, वहाँ प्रियंका गांधी को कमान सौंप दो, उल्टा रिजल्ट आएगा, मोदी ढूंढे भी नहीं मिलेंगे। हम बार बार डिमांड करें, प्रियंका गांधी आएंगी तो देश का, कांग्रेस का भला होगा। और वो बात अब देश की जनता समझने लगी है धीरे धीरे। रॉबर्ट वाड्रा की जो राहत मिली है, रॉबर्ट वाड्रा को जो राहत मिली है, वो गांधी परिवार के लिए राहत है। साफ तौर पर उनके हनुमान है जगदीश शर्मा और वो कह रहे हैं कि अब सब कुछ बेहतर होने वाला है और अच्छे दिन किसके आने वाले हैं, ये सब कुछ साबित हो जाएगा। कैमरामैन चेतन के साथ आशिफ इकबाल, P7 न्यूज़, दिल्ली।